हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में हम एक बहुत ही सुंदर से नेक का डिजाइन बनाने वाले हैं फ्रिल के साथ, जो कि आजकल बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में है। सो इसके लिए मैंने यहाँ पर पहले ही कुर्ती की कटिंग कर ली है और फ्रिल बनाने के लिए देखिए मैंने अलग कलर का कपड़ा ले लिया है। आप चाहे तो सेम कलर के कपड़े से भी फ्रिल बना सकते हैं, बट अगर आप अलग कलर यूज करेंगे तो वो ज्यादा खिल कर आएगा। सो अगर आपको देखनी है कि हम सिंपल कुर्ती की कटिंग कैसे कर सकते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। वीडियो में जाने से पहले मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड उसके बगल में एक बेल आइकन आएगा तो आप उसको भी जरूर क्लिक कर लीजिए। सबसे पहले हम नेक बनाएंगे, तो देखिए नेक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर बुकरम ले लिया है। तो इसको देखिए पहले बीचों बीच में से इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। ऊपर की तरफ से सबसे पहले हम नेक की चौड़ाई के निशान लगाएंगे। तो नेक की चौड़ाई हमें यहाँ पर 3 इंच रखनी है, बट हम फ्रिल लगा रहे हैं तो 1/2 इंच आपको एक्स्ट्रा रखना है। तो यहाँ पर हम करीब 3.5 इंच इस तरीके से निशान लगाएंगे और देखिए लंबाई में हम निशान लगाएंगे करीब 13 इंच पर। और नीचे की साइड पे यहां पर आपको 1 इंच इस तरीके से निशान लगाना है और इस निशान को देखिए इस तरीके से सीधा कर लेंगे। अब आपको इस वाले निशान को अपने ऊपर वाले निशान से मिला देना है। सिंपली यहां पर हम वी शेप बनाएंगे। अब देखिए पूरे गले में करीब 1-1 इंच की चौड़ाई लेते हुए निशान लगा लेंगे और इस पूरे नेक की हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए हमने अपने नेक की कटिंग कर ली है और ये आपको बिल्कुल इस तरीके से वी शेप में दिखेगा। अब इसको हम कपड़े पर लगाएंगे। तो सिंपली इस तरीके से इसको कपड़े के ऊपर रखेंगे और बुकरम के ऊपर सिलाई लगाते हुए इसको कपड़े के साथ जोड़ देंगे। और अब यहां से एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग करते हुए हम इस कपड़े को भी बुकरम के ऊपर फोल्ड कर देंगे। ये देखिए हमने नेक के चारों साइड्स पर कपड़े को बिल्कुल अच्छे से फोल्ड कर दिया है। अब इसको हम कमीज पर लगाएंगे। तो कमीज को पहले आप इस तरीके से खोल लीजिए और ये हमने अपने कमीज का सीधा वाला साइड ऊपर की तरफ रखा है। तो आपको सीधे वाले साइड की तरफ इस तरीके से नेक को रखना है और ऊपर से देखिए बिल्कुल सेंटर टू सेंटर मिलाते हुए यहां पर बिल्कुल बुकरम के साथ साथ में हमें सिलाई लगा लेनी है पूरे में। अब अंदर के एक्स्ट्रा कपड़े की हम कटिंग कर देंगे। केवल 1/2 इंच आपको कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ना है और यहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगाते हुए हम पूरे नेक को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। और अब यहाँ पर हम बड़े टाके की सिलाई लगाकर इस नेक को अच्छे से पक्का कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, देखिए हमने अपना पूरा नेक बना लिया है इस तरीके से, बिल्कुल वी शेप में हमारा ये नेक बना है। अब हम अपना बैक पार्ट ले लेंगे और देखिए इसमें फ्रिल लगाने से पहले आपको बैक पार्ट अपने फ्रंट वाले पार्ट के साथ जोड़ना है। तो ऊपर से देखिए केवल 1/2 इंच की ही यहाँ पर हम गहराई करेंगे, जैसे कि हम कॉलर में करते हैं बिल्कुल वैसे ही। और जितनी हमने आगे की तरफ चौड़ाई रखी है उतनी आपको बैक साइड की तरफ भी चौड़ाई रखनी है। तो यहाँ पर हम 3.5 इंच इस तरीके से निशान लगाएंगे चौड़ाई के और इस निशान को देखिए हल्का सा इस तरीके से मिला देंगे और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। अब इस पार्ट को देखिए इस तरीके से खोल लीजिए और अपना फ्रंट वाला पार्ट भी ले लीजिए और इस तरीके से देखिए आपको मिलाते हुए रखना है। ऊपर की साइड से हम इसको मिला लेंगे, दोनों कंधियां इस तरीके से मिलनी चाहिए और यहां पर हम एक पैर का मार्जिन लेते हुए दोनों कंधों पर सिलाई लगा लेंगे। इससे हमारे फ्रंट और बैक पार्ट एक साथ जुड़ जाएंगे। ये देखिए
हमने दोनों कंधों को बिल्कुल अच्छे से स्टिच कर दिया है और हमारा जो बैक वाला पार्ट है वो फ्रंट वाले पार्ट से देखिए बिल्कुल अच्छे से जुड़ गया है। अब इसके अंदर हम फ्रिल लगाएंगे। फ्रिल बनाने के लिए देखिए मैंने ये बिल्कुल सीधा कपड़ा ले लिया है, ये हमने कोई आड़ा कपड़ा नहीं कट किया, बिल्कुल सीधा कपड़ा कट कर लिया। और इसकी चौड़ाई देखिए करीब मैंने यहाँ पर 3 इंच रखी है। अब इस कपड़े को देखिए इस तरीके से बिल्कुल बीचों बीच में से हम फोल्ड करेंगे और इसके इस वाले किनारे पर सिलाई लगाते हुए हम छोटी छोटी प्लीट्स बनाएंगे। पूरे कपड़े को ऐसे ही प्लीट्स बनाकर हम पहले तैयार कर लेंगे। बनाकर बिल्कुल अच्छे से रेडी कर लिया है और इसको ऊपर वाली साइड की तरफ से देखिए हमने इंटरलॉक भी कर दिया है। अब इसको हम कमीज पर लगाएंगे। तो देखिए नेक की नीचे वाली साइड से हम इस फ्रिल को लगाना स्टार्ट करेंगे। तो इसको बिल्कुल इस तरीके से आपको रखना है और जहां पर अभी हमने सिलाई लगाई है वहीं पर आपको देखिए इस तरीके से इसे रखते हुए अब आपको अपने नेक के ऊपर यहाँ पर सिलाई लगानी है जिससे कि जो फ्रिल है हमारी इसके साथ अटैच हो जाएगी। तो बिल्कुल किनारे किनारे पर हम सिलाई लगाते हुए पूरी फ्रिल को नेक पर लगा लेंगे। देखिए यहाँ तक हमने अच्छे से फ्रिल को लगा लिया है इसके नीचे रखते हुए, बट अब हमारा देखिए बैक साइड आ गया है। तो बैक साइड की तरफ जैसे हम कॉलर के लिए सिलाई लगाते हैं बिल्कुल वैसे ही आपको सिलाई लगानी है। देखिए फ्रिल को अभी तक हम नीचे की साइड की तरफ रखते हुए सिलाई लगा रहे थे, बट इसी फ्रिल को आपको इस तरीके से अब ऊपर घुमा लेना है। और देखिए इस स्टेप को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अब यहां से हम इस तरीके से इसको घुमाएंगे और यहां पर ऊपर की तरफ सिलाई लगाएंगे। यहां पर देखिए आपको ये वाली सिलाई दिख रही होगी जहां पर हम नीचे की साइड से लगाते हुए आए हैं, तो इसी सिलाई से आपको अपनी सिलाई लगाना स्टार्ट करना है। फ्रिल को अब हम ऊपर की तरफ कर लेंगे और सिंपली यहां पर सिलाई लगाएंगे। ये देखिए फ्रिल को घुमाते हुए हमने ऊपर की तरफ सिलाई लगा ली है और ये बिल्कुल अच्छे से देखिए यहाँ की साइड से बिल्कुल अच्छे से स्टिच हो गया है। अब जैसे कि हमने इस साइड की तरफ नीचे रखते हुए फ्रिल को सिलाई लगाई है, इस साइड भी देखिए आपको सिंपली इस तरीके से फ्रिल को अब सिंपली नेक के नीचे रखना है और आपको सिलाई यहाँ कोने से लगानी स्टार्ट करनी है और पूरे में बिल्कुल सीधी हम सिलाई लगा लेंगे। पूरी नेक पर देखिए हमने बिल्कुल अच्छे से फ्रिल को लगा दिया है और ये देखिए ये हमारा कॉलर वाला पार्ट है। तो इस पार्ट को देखिए यहाँ पर आपके धागे वगैरह निकलेंगे, तो इस कपड़े को हम इस तरीके से देखिए नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे इस तरीके से और यहाँ पर बिल्कुल किनारे किनारे पर हम सिलाई लगा देंगे जिससे कि इस वाली फ्रिल में एक कॉलर वाला स्टाइल हो जाएगा और ये देखिए इस तरीके से स्टैंड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई लगा देनी है। ये देखिए यहाँ पर हमने बिल्कुल किनारे किनारे पर बिल्कुल अच्छे से सिलाई लगा दी है और उससे ये देखिए इस तरीके से जो हमारा कॉलर स्टैंड हो जाता है उस तरीके से ये हो गया है। और देखिए यहाँ पर हमने इंटरलॉक भी कर दिया है, इससे आपके धागे वगैरह बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे। अब देखिए ये जो हमारा सेंटर वाला पार्ट है यहाँ पर हम एक्स्ट्रा कपड़ा लगाएंगे। तो आपको अपना जितना लंबा नेक रखते हैं उतने पर आप सिंपली निशान लगा लीजिए और इसके नीचे हम ये सेम कलर का कपड़ा लगाएंगे। तो देखिए मैंने सिंगल इस तरीके से हमारे पास कपड़ा कम था इसलिए मैंने यहाँ पर जोड़ लगा लिए हैं और ये नीचे ही रहेगा तो इतना दिखाई भी नहीं देगा। इसको हम पहले बीच में से फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से और ऊपर से भी आपको देखिए इसको थोड़ा
फोल्ड कर लेना है क्योंकि ऊपर वाला साइड हमारा नजर आता है। इस कपड़े को आपको नेक के नीचे रखना है। तो देखिए इसको बिल्कुल अच्छे से हमने सेट कर लिया है, नीचे की साइड की तरफ कपड़े को बिल्कुल अच्छे से सेट कर लिया है। अब यहाँ पर बिल्कुल किनारे किनारे पर हम सिलाई लगाकर अपने इस वाले कपड़े को भी अच्छे से इसके ऊपर सेट कर देंगे। ये देखिए सेंटर वाला कपड़ा भी हमने बिल्कुल अच्छे से सेट कर लिया है। अब ये जो हमारे प्लीट्स बने हैं इन सब पर हम कुछ मोतियां लगाएंगे। तो सिंपली देखिए इस तरीके से छोटी मोतियां ले ली हैं मैंने। देखिए जहां से हमारी प्लीट स्टार्ट होती है वहीं पर सिंपली इस तरीके से हमने मोती लगा देंगे और इसको नीचे करके हम पक्का कर लेंगे जिससे कि ये मोती हमारी जल्दी से निकले ना। अब दूसरी प्लेट की तरफ इस तरीके से ऊपर की तरफ सुई निकाल लेंगे और यहां पे भी हम ऐसे ही ये देखिए मोती को लगा लेंगे। और अब इसी तरीके से पूरे हम सारी प्लेट्स में इसी तरीके से मोती को लगा लेंगे। सो फ्रेंड्स ये देखिए हमने पूरी प्लेट्स पर इस तरीके से ये छोटे छोटे बीड्स मोती लगा दिए हैं और बीच वाला कपड़ा भी देखिए हमारा कितना ज्यादा प्रिटी लग रहा है। आप चाहें तो यहाँ पर सेंटर में भी कुछ बटन्स या फिर टैसल्स अटैच कर सकते हैं। सो इसको हम सिंपली ऐसे ही रखने वाले हैं और देखिए पूरे में ही हमारा कॉलर जैसा लुक आ रहा है। इस साइड की तरफ भी देखिए हमने ये बीड्स लगा दिए हैं जिससे कि बहुत ही खूबसूरत लुक आपका पूरा कॉलर जैसा डिजाइन लगेगा और ये बनने के बाद बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है। सो फ्रेंड्स आई होप कि आप लोगों को ये डिजाइन पसंद आया होगा और बहुत ही इजी है ये डिजाइन बनाना। केवल आपको ये प्लीट्स एक बराबर डालनी होंगी, उसके बाद में बीड्स लगाकर ये आपका डिजाइन बहुत ही सिंपली कंप्लीट हो जाएगा। एंड आई होप कि आप लोगों को भी ये डिजाइन अच्छा लग रहा होगा। सो अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अगर पहली बार आप मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड उसके बगल में एक बेल आइकन आएगा तो आप उसको भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।